हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपना आधार कार्ड करेक्शन कैसे करें, ठीक है? वो फॉर्म को फिलअप कैसे करें, इसी का टॉपिक के बारे में आज है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड कलर का बटन होगा, उसको टच कर दें, उससे सब्सक्राइब हो जाएगा। साइड में एक तो बेल आइकन है, उसको टच कर दें, उससे क्या होगा, मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आप आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? ये आपका आधार कार्ड का करेक्शन फॉर्म है, ठीक है? यदि आपका आधार कार्ड नहीं आया है, क्या उठाने वाले हो, तो यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा आपको। आधार अलर्मेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी को आप राइट क्लिक कर देंगे तो आपको ये आधार कार्ड उठाने के लिए फॉर्म है। यदि नहीं तो आपका यदि आधार कार्ड कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है कोई, तो मोबाइल नंबर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस साइड में जो दे करेक्शन, ये करेक्शन फॉर्म है ऊपर ठीक करिए। ये करने से आपका डिटेल यहाँ पर लिखती है, लिखने के बाद ये आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है? पहले ये आपका आधार कार्ड का नंबर लिखिए, ठीक है? आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आप डायरेक्ट जो नाम लिखा है, फुल नेम, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखा हूँ EPI तुलसी जैन, जहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। लिखने के बाद आप जेंडर क्या, मेल है, फीमेल हो, कोई भी हो, यदि फीमेल हो तो फीमेल के ऊपर राइट क्लिक करो, यदि मेल हो तो मेल के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है? डायरेक्ट नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है यहाँ पर, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं दिया हूँ 05/07/1978, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। इसके बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कौन, मैंने पिताजी का कि वा माँ का कि बहन का कि वा आपका कोई भी हो, मैंने लड़का हो लड़की हो, किसी को ऊपर यदि आप फिलअप करते हैं जो फॉर्म किसी के लिए, तो यहाँ पर ठिक करेंगे, ठीक है? जैसे मैं एग्जाम्पल टाइप के मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ लेडीज़ का, ठीक है? मतलब जैसे कि मेरा लड़की का, इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ पी मोत्सा, ठीक है? इसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद जो प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, हाउस नंबर, यदि हाउस का नंबर आपको यदि पता है तो आपका हाउस नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यदि नहीं पता है तो ये डायरेक्ट छोड़ दीजिए, इसको आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्टेट जो लैंडमार्क दिया हुआ है, लैंडमार्क कहाँ का, कहाँ पर रहते हो, जैसे कि कल्याणी नगर में यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है? आपका ये, इसके बाद आपका जो दिया हुआ है लोकेशन कहाँ का, माने पास में कहाँ का रहते हो, जैसे कि मैं कल्याणी नगर में रहता हूँ खंडगिरी के पास, ठीक है? तो खंडगिरी लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है आपका, वो आसपास जो आपका पोस्ट ऑफिस है आप उनको जाकर पूछिए, आपको एरिया बता देगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे कि मैं पातरपोड़ा में रहता हूँ, तो इसलिए ऑफिस मेरा पोस्ट ऑफिस पातरपोड़ा में, इसलिए पातरपोड़ा लिखा हूँ। लिखने के कारण ये है जो, तो आपको यदि इनके इन फ्यूचर में यदि कभी आधार कार्ड आएगा पोस्ट ऑफिस के तरफ से, तो आपके वहाँ पर ही जाए पहुँचेगा, तो वहाँ से आपको कॉल आएगा, आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सिटी कहाँ का, कहाँ सिटी में रहते हो, जैसे कि मैं अभी भुवनेश्वर में रहता हूँ, इसलिए भुवनेश्वर लिखा हूँ, ठीक है? स्टेट कौन सा, ये हमारा खुर्दा में जाता है, इसलिए खुर्दा लिख दिया हूँ, ठीक है? ईमेल आईडी है तो यदि ईमेल आईडी दे सकते हो, यदि नहीं है छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपका पिन कोड यहाँ पर कितना है, जहाँ पर रहते हो वही पिन कोड यहाँ पर लिखिए। यदि आपको पता नहीं, गूगल में देखकर एरिया नाम लिखकर पिन कोड मानने से आपको दे देगा। इतना फिलअप करने के बाद ये आपका फॉर्म हो गया है। और यदि यहाँ पर एक तो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन सिग्नेचर थंब प्रिंट, मैंने ये आपको, यदि सिग्नेचर नहीं है तो थंब कर सकते हैं, यदि सिग्नेचर आता है तो सिग्नेचर मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इतना ही करना होगा। इस करने के बाद ये आप दे देगा, आपका हो जाएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। यदि कुछ भी यदि डाउट हो कमेंट में जरूर करिए, मैं आपका कमेंट जरूर रिप्लाई दूंगा। मेरे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया।